Hi, hello everyone. This is Chakit from VAC Global Education. In this video, we are going to discuss about the total cost, what you need to pay, what you need to arrange and how much funds you need to have in order to get your New Zealand study visa. So we are going to discuss right from the stage where do you have to take the IELTS or not. फिर उसके बाद आपकी कौन कौन सी फीसेस लगेंगी कहाँ कहाँ पर आपको क्या क्या पे करना होगा वो सब हम इस वीडियो में डिस्कस करेंगे सो वॉच दिस वीडियो टिल द एंड सो दैट यू गेट द कम्प्लीट इंफॉर्मेशन अगर ये वीडियो आप स्किप करोगे तो आपको ये कभी नहीं पता लगेगा कि आपको टोटल फंड्स कितने चाहिए होंगे क्योंकि फ़ंड ही एक ऐसी चीज़ है जिसके वजह से आपका पूरा प्रोसेस डिले हो सकता है सो वॉच दिस वीडियो टिल द एंड नाओ Let's start with the first thing first. पहली बात कि आपकी एलिजिबिलिटी कितनी होनी चाहिए देखो यू के लिए न्यूजीलैंड में एटलीस्ट आपका 40-45 परसेंट पर भी कुछ कुछ कॉलेजेस देंगे बट आइडियली यू शुड हैव एटलीस्ट फिफ्टी परसेंट एंड अबव सेम गोज़ फॉर द पी जी कि अगर आपकी 50 परसेंट है तो आपको कुछ लिमिटेड ऑप्शन है 60 परसेंट से ऊपर आपको मास्टर्स में बहुत सारे ऑप्शंस मिलेंगे बोथ बैचलर्स एंड मास्टर्स आफ्टर बैचलर्स एंड मास्टर्स यू आर एलिजिबल फॉर थ्री ईयर्स ऑफ पोस्ट स्टडी वर्क वीज़ा सो दैट इज़ क्वाइट अंडरस्टूड uh, कि आपको अगर आपने बैचलर्स की है या मास्टर्स की है तो आपको थ्री ईयर्स का पोस्ट स्टडी वर्क वीज़ा मिलेगा नाउ वॉट इज़ दी एलिजिबिलिटी क्राइटीरिया इन टर्म्स ऑफ योर आयल्स क्योंकि ये एक पहली चीज़ है जहाँ पर आपका खर्चा स्टार्ट होगा आयल्स या फिर पी टी या फिर टोफल ये तीनों एक्सेप्टेड हैं आइल्स की जनरली फ़ीस जो है अभी जो एट प्रेजेंट इज सिक्सटीन थाउजेंड फाइव हंड्रेड तो वो आपको पे करना होगा अगर आप आइल्स के लिए जा रहे हैं एंड फॉर मास्टर स्टूडेंट देर इज़ एन एक्सेप्शन कि अगर आपने लास्ट फाइव ईयर्स में अपनी बैचलर्स की है तो आपको आइल्स वेवर मिल सकता है फॉर सम स्पेसिफ़िक कोर्सेज एंड सम स्पेसिफ़िक यूनिवर्सिटी सो फॉर दैट यू कैन गेट इन टच विद दस द लिंक इज़ इन द डिस्क्रिप्शन तो आइल्स की जो पहला खर्चा है वो आपका है आपकी आयल्स की फीस फिर उसके बाद अगर आप कोचिंग लोगे तो वहाँ पर आपको आठ से दस हजार रुपये कहीं पर भी पे करना पड़ेगा तो दैट इज़ अनदर कॉस्ट वॉट वी आर ऑफरिंग राइट नाउ इज़ द स्टूडेंट हु अप्लाइंग देयर वीज़ा विद आस वी विल गिव देम दी फ्री आयल्स ट्रेनिंग सो आप अगर हमारे थ्रू वीज़ा अप्लाई करोगे सो वी कैन गिव यू फ्री आयल्स ट्रेनिंग विद द होल प्रोसेस नाउ नेक्स्ट इन द लिस्ट इज एप्लीकेशन फीस जनरली अगर हम बात करें कैनेडा के लिए तो कैनाडा में एप्लीकेशन फ़ीस होता है ऑस्ट्रेलिया में भी कहीं कहीं एप्लीकेशन फीस है यूके में भी कहीं कहीं एप्लीकेशन फ़ीस है बट न्यूजीलैंड इज कंप्लीटली एप्लीकेशन फ़ी वेवर इज़ एप्लीकेबल सो यू डोंट हैव टू पे एनी एप्लीकेशन फ़ीस तो अगर आप न्यूज़ीलैंड अप्लाई करोगे तो यहाँ पर आपका पैसा बच जाएगा नेक्स्ट इन द लिस्ट इज़ योर ट्यूशन फीस सो यहाँ पर बहुत इंपॉर्टेंट जो आपका खर्चा होने वाला है वो यहाँ पर आता है बट वॉट इज द बेस्ट पार्ट अबाउट न्यूजीलैंड इज दैट यू विल बी पेइंग योर ट्यूशन फीस वंस योर वीज़ा इज अप्रूव्ड मीन्स कि पहले आपका डॉक्यूमेंटेशन होगा आपके सारे डॉक्यूमेंट्स इमिग्रेशन को जाएंगे वंस दे विल अप्रूव योर वीज़ा देन यू विल बी मेकिंग योर ट्यूशन फीस पेमेंट सो दैट इज़ द बेस्ट पार्ट विच न्यूजीलैंड हैज़ टू ऑफर टू यू यूगाइ कि पहले आप वीज़ा श्योर हो गए हो आपकी वीज़ा ग्रांट हो गया है अप्रूवल इन प्रिंसिपल आ गया है नाओ यू विल हैव टू मेक द पेमेंट सो फॉर यू जी एप्लीकेशन फीस गोज़ एनीवेयर बिटवीन ट्वेल्व टू फिफ्टीन लैक्स एंड फॉर पी जी इट इज़ एनी वेयर बिटवीन फिफ्टीन सेवेंटीन एटीन ट्वेंटी लैक्स फॉर डिफरेंट डिफरेंट कोर्सेस बट द मिनिमम फीस वॉट यू आर लुकिंग एट इज एटलीस्ट फिफ्टीन लाख रुपीज़ इसके साथ साथ जो न्यूजीलैंड में लिविंग एक्सपेंसिस के जो खर्चे हैं वो है रफली रफली अराउंड ट्वेंटी थाउजेंड डॉलर विच इज़ अप्रॉक्सीमेटली टेन लाख रुपीज़ तो अभी जो न्यूजीलैंड डॉलर है दैट इज आज प्रेजेंट का रेट जो मैंने अभी देखा वो था अराउंड 49.5 तो इसके हिसाब से अगर मैं कैलकुलेट करूँगा सो इट्स जस्ट लिटिल बिट लेस देन 10 लैक्स बट 10 लैक्स आप लेकर चलो क्योंकि डॉलर फ्लक्चुएट होता रहता है तो 10 लैक्स विल बी योर लिविंग एक्सपेंसेस नाउ लिविंग एक्सपेंसेस आपको ट्रांसफ़र करने हैं नहीं करने हैं दैट इज़ टू द इमिग्रेशन

नाउ द नेक्स्ट थिंग इज़ योर मेडिकल सो जनरली मेडिकल जो है वो पाँच से छः हज़ार रुपये में मेडिकल हो जाता है डिपेंडिंग अपॉन द लोकेशन डिपेंडिंग अपॉन विच हॉस्पिटल यू वॉन्ट टू गेट योर मेडिकल डर्न फ्राम सो देर इज़ अ पेनल डॉक्टर लिस्ट विच इज़ अवेलेबल ऑन इमिग्रेशन वेबसाइट आई विल ऑल्सो शेयर दैट लिंक इन द डिस्क्रिप्शन सो दैट यू कैन चेक इट आउट एंड फॉर ऑल द इंफॉर्मेशन वॉट आई एम गिविंग टू यू राइट नाउ आई विल पिन ऑल द लिंक्स इन द डिस्क्रिप्शन सो दैट की आप खुद से भी अपने आप से भी सारे ये इन्फॉर्मेशन को वेरीफाई कर सको इसके बाद आता है हमारा वीज़ा एप्लीकेशन फ़ीस सो स्टूडेंट वीज़ा की जो एप्लीकेशन फ़ीस है दैट इज़ रफली अराउंड थ्री सेवेंटी फाइव डॉलर्स तो वो आपको पे करना है डिपेंडिंग अपॉन द डॉलर फ्लक्चुएशन इसके बाद जो आपकी फ़्लाइट है देखो ये फ्लाइट जो है ये टोटली totally डिपेंड करता है कि आप किस टाइम पर अपनी जो फ़्लाइट है वो बुक कर रहे हो तो एनी बिटवीन एट्टी नाइन्टी थाउजेंड टू वन लाख नॉर्मली फ़्लाइट की टिकट आ जाती है इसके बाद आता है आपका जो खर्चा है वो है शॉपिंग का तो आप कहाँ पर क्या शॉपिंग करते हो यह सबका अपना अपना पर्सनल एक्सपीरियंस है अपना अपनी खर्चे हैं तो आप अपने उसके हिसाब से देखिए कि आप कितना शेड आउट करना चाहते हो बट मेरी एडवाइस तो यही रहेगी कि अगर आप वहाँ जाकर शॉपिंग करो तो वो ज़्यादा बेटर है क्योंकि दैट वे यू वुड बी एबल टू फाइंड आउट वॉट इज़ रिक्वायर्ड वंस यू आर देर तो कपड़ों के लिए तो मैं रिकमेंड करूँगा कि आप वहीं से शॉपिंग करो बाकी इसके साथ आप प्रेशर कुकर हो गया और कुछ इसेंशल्स हैं जो आप खाने पीने का सामान यहाँ से लेके जा सकते हो तो क्योंकि वहाँ पर सब चीज़ अवेलेबल हैं बहुत सारे मंदिर हैं गुरुद्वारे हैं वहाँ पर आपके पास uh, स्वामी नारायण टेम्पल है फॉर दी स्टूडेंट्स फ्राम गुजरात और बहुत सारे सारे जो uh, इंडियन शॉप्स हैं जहाँ पर आपको ए टू जेड जो चीज़ें आपको इंडिया में भी नहीं मिलेंगी वो भी वहाँ पे मिलती हैं तो आपको इन सब चीज़ों की चिंता करने की ज़रूरत नहीं है तो ये सबसे बेस्ट है दूसरा जो पार्ट टाइम वेज है अभी न्यूजीलैंड में दैट इज़ रफली अराउंड ट्वेंटी टू डॉलर्स एंड सेवेंटी सेंट्स तो उससे काफ़ी सारा जो खर्चा है आपका वो ईज़िली मैनेज हो जाता है विदाउट एनी प्रॉब्लम नाओ हाउ मच कैश यू शुड कैरी यू शुड कैरी एटलीस्ट टू थाउजेंड डॉलर्स टू बिगिन विद क्योंकि जैसे आप जाओगे वहाँ पर इनिशियली जब अगर आपका आई एफ टी एस लगा है तो आपको तो फंड्स मिलेंगे वहाँ पर लेकिन एटलीस्ट आपके पास दो हज़ार डॉलर के आसपास होने चाहिए आपको कहीं पर सिक्योरिटी डिपॉजिट देना है जहाँ पर आप रहोगे वहाँ के लिए थोड़ा ट्रांसपोर्टेशन में आपको हेल्प चाहिए होगा तो कुल मिलाकर अगर आपके पास दो हज़ार डॉलर हैं तो आपका पूरा का पूरा एक्सपेंस कवर हो सकता है सो इन टोटल इफ आई टॉक अबाउट फॉर अ मास्टर स्टूडेंट तो मास्टर स्टूडेंट के लिए अगर वो एक साल के कोर्स में जा रहे हैं जिसकी फीस सत्रह लाख रुपए है तो सत्रह प्लस दस लाख ऑफ देयर लिविंग एक्सपेंसेस विच मेक ट्वेंटी सेवन एंड देन यू वुड नीड अनदर कपल ऑफ लैक्स टू शो इमिग्रेशन दैट यू हैव सफिशिएंट फंड्स टू टेक केयर ऑफ योर प्रोसेस तो एटलीस्ट थर्टी लैक्स होना चाहिए थर्टी लैक्स विच नीड्स टू बी एटलीस्ट थ्री मंथ्स ओल्ड और एजुकेशन लोन अगर आपके पास अपना खुद का फंड या पेरेंट्स के खुद के फंड्स में नहीं है थर्टी लैक्स विच इज़ थ्री मंथ्स ओल्ड तो आप इसमें अपने आप को स्पॉन्सर करा सकते हो जिसमें कि कौन कौन स्पॉन्सर कर सकता है वो है मम्मी पापा भाई बहन दादा दादी नाना नानी इनमें से कोई भी आपको स्पॉन्सर कर सकता है विदाउट एनी प्रॉब्लम So, this was the total cost what you need to take care of. I am sure there will be different questions which you will have in your mind. So, you can write it in the comment section or there is a link given in the description through which you guys can get in touch with us. We can help you organize your study visa. We can help you organize the documents for study visa. We can help you prepare you for interview if they at all there will be an interview. So we are here to help you with the entire process. If you have any questions if you have any doubts do get in touch with us. There's a link given in the description. And we will uh, try and solve each and of your query. Rest if you have liked this video, then do not forget to hit the like button, share it with your friends and family, and subscribe to VAC. Take care of yourself and we shall see you in our next video. Bye bye.